वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डीजल मैकेनिक से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें टेक्निकल ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को टच जरूर कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, प्रायः डीजल इंजन का निर्माण कितने स्ट्रोक के संस्करणों में किए जाते हैं। तो डीजल इंजन का निर्माण अधिकतर दो या चार स्ट्रोक के संस्करणों में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल चक्र का आविष्कार किसने किया था। तो डीजल चक्र का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। डीजल चक्र का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। विश्व के सबसे बड़े डीजल इंजन वाल्टसिला मरीन का आउटपुट कितने मेगावाट का है। तो विश्व के सबसे बड़े डीजल इंजन वाल्टसिला मरीन का आउटपुट 80 मेगावाट का है। डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है। तो डीजल इंजन अंतर दहन इंजन का उदाहरण है। डीजल इंजन का संपीड़न तापमान कितना होता है। तो डीजल इंजन का संपीड़न तापमान 650 डिग्री से 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। डीजल इंजन का उच्च संपीड़न अनुपात कितना होता है। तो डीजल इंजन का उच्च संपीड़न अनुपात 11 अनुपात 1 से 20 अनुपात 1 तक होता है। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना परिवर्तनशील होता है। तो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 16 से 22 तक परिवर्तनशील होता है। रीमर किस धातु के सामान्यतः बनाए जाते हैं। तो रीमर सामान्यतः औजारी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। मिलिंग मशीन पर कटाई क्रिया में कटर को ठंडा रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो मिलिंग मशीन पर कटाई क्रिया में कटर को ठंडा रखने के लिए कटाई तरलों का प्रयोग किया जाता है। इंजन अत्यधिक आवाज करने का मुख्य कारण निम्न में से क्या होता है। तो इंजन के अत्यधिक आवाज करने का जो प्रमुख कारण होता है वह गजन पिन और छोटा बेयरिंग के घिसने के कारण होता है। यदि गन पिन और छोटा बेयरिंग घिस जाए तो इस कारण इंजन अत्यधिक आवाज करने लगती है। इंजन द्वारा अत्यधिक धुआं की निकासी होना निम्न में से क्या होना दर्शाता है। तो इंजन द्वारा अत्यधिक धुआं की निकासी होना दहन चैम्बर में तेल का जलना दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन का प्रकार नहीं है। तो इसमें अपघात दहन का प्रकार नहीं है। डीजल का अपेक्षित गुरुत्व कितने तक होता है। तो डीजल का अपेक्षित गुरुत्व 0.82 से 0.95 तक होता है। डीजल में कितने प्रतिशत कार्बन पाए जाते हैं। तो डीजल में लगभग 85 से 88 प्रतिशत तक कार्बन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोलिंग अवयव बेयरिंग का प्रकार है। तो बॉल बेयरिंग रोलिंग अवयव बेयरिंग का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से किस बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन या प्रतिघर्षण बेयरिंग भी कहते हैं। तो रोलिंग अवयव बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन या प्रतिघर्षण बेयरिंग भी कहते हैं। सभी गियर साधारणतया किस धातु के बने होते हैं। तो सभी गियर साधारणतया ढलवा लोहा या इस्पात के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिलेंडर में
पिस्टन के दाब के कारण होने वाली हानि है। तो चोक सिलेंडर में पिस्टन के दाब के कारण होने वाली हानि है। निम्नलिखित में से किस इंजन का वाटर कूल्ड होता है? तो फोर स्ट्रोक इंजन का वाटर कूल्ड होता है। किस इंजन के प्रत्येक चक्र में एक पावर स्ट्रोक होता है? तो टू स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक चक्र में एक पावर स्ट्रोक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह डाई पदार्थ नहीं है? तो इसमें डाई मटेरियल औजार एल्युमिनियम नहीं है। लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होता है? तो लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग होता है। तापमान में वृद्धि होने से पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य, तो तापमान में वृद्धि होने से पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने से कार्ब का प्रतिरोध, तो तापमान में वृद्धि होने से कार्ब का प्रतिरोध घटता है। डीजल इंजन का गुणवत्ता निम्न रूप में वर्णित की जाती है, तो डीजल इंजन की गुणवत्ता सीटेन नंबर से वर्णित की जाती है। कूलेंट में एथिलीन ग्लाइकोल शीतन प्रणाली में माध्यम रोके रखता है, तो कूलेंट में एथिलीन ग्लाइकोल शीतलन प्रणाली में माध्यम को हिमन रोके रखता है। पेट्रोल इंजन में यांत्रिक ईंधन पंप निम्न द्वारा चलाया जाता है, तो पेट्रोल इंजन में यांत्रिक ईंधन पंप कैम सॉफ्ट के उत्तर केंद्र द्वारा चलाया जाता है। आद्र कोटि के एयर फिल्टर का बात निम्न से भरा होता है, तो आद्र कोटि के एयर फिल्टर का वात इंजन तेल से भरा होता है। डीजल इंजनों के सिलेंडरों में ईंधन का दहन निम्न कारण से होता है, तो डीजल इंजनों के सिलेंडरों में ईंधन का दहन संपीड़न प्रज्वलन के कारण होता है। इग्निशन सिस्टम के सेकेंडरी सर्किट से संबंधित है, तो इग्निशन सिस्टम के सेकेंडरी सर्किट से स्पार्क प्लग संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को टच जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।